हेलो 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 हेलो। सो हेलो गाइज, क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज मैं हूँ गेमर्स पॉइंट और आज आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई जो अभी 42 अपडेट के अंदर जो करेक्टर्स आने वाले न्यू, मेरे भाई कौन से करेक्टर्स में चेंज हुआ, कौन से में करेक्टर चेंज में नहीं हुआ, ठीक है, क्या करेक्टर्स का अपडेट आया है, क्या नहीं आया गाइज, सोनिया हटी है या डिमिट्री रिमूव हुआ है, कौन सा करेक्टर रिमूव हुआ है, क्या हुआ है मेरे भाई, सब कुछ आपके जितने भी मन में सवाल है गाइज उन सबका आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए मेरे भाई। और गाइज यहाँ पे जो दो न्यू करेक्टर आए गाइज उनका भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है गाइज। एक करेक्टर तो हमारा जो भी अपडेट के बाद दिख जाएगा, ठीक है, और दूसरा करेक्टर गाइस इस अपडेट के अंदर कभी भी आ सकता है, ठीक है, यानी ग्रेना उसको भी टेस्ट पे लगा के छोड़ा, ठीक है, और अभी तक श्योर नहीं है कि वो करेक्टर गेम में देना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस वो करेक्टर है ही ऐसा। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं अपने करेक्टर्स पे कि जो जो करेक्टर्स में चेंज हुआ गाइस वो सभी करेक्टर्स आपको बताने वाला हूं अभी, कौन कौन से में चेंज हुआ, कौन से में नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले करेक्टर हमारा गाइस ये मारो, जिसमें गाइस यहां पे इसका जो डैमेज इंक्रीज कर दिया, ठीक है, एंड गाइस जो मार्क आता है एनिमी पे गाइस वो भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जो भी देख सकते हो आप इसके आगे दे रखा है। एंड गाइस क्रू में थोड़ा बहुत चेंज हुआ गाइस, यहां पे इसका जो मेरे भाई कूल डाउन है वो सही से 45 सेकंड कर दिया, पहले कितना था मुझे नहीं पता बट अभी इसका कूल डाउन में चेंज कर दिया, यानी जो चार्ज होता है वो थोड़ा चेंज कर दिया। एंड गाइज एक करेक्टर हो रहा है मेरे यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी चेंज हुआ, इसमें गाइज 40% एक्स्ट्रा शील्ड दे दिया, ठीक है, यानी जो 40 एक्स्ट्रा शील्ड वो आपको पॉइंट्स मिलता है, ठीक है, वो दे दिया यहाँ पे मेरे भाई। और ये भी चेंज हुआ गया जो इस करेक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड गाइज मैक्सिमम में एक चीज़ कर रखा गया, यहाँ पे जो मेडिकेट की स्पीड है वो 25% ज़्यादा कर दी है, ठीक है, यानी अगर आप मेडिकेट मारोगे तो गाइज आपको एक्स्ट्रा लगेगा। एंड गाइज केले में यहाँ पे क्या चेंज हुआ गाइज मुझे पता नहीं चला, यहाँ पे एक देख सकते हो यहाँ पे जो 6% डैमेज गाइस ये पहले भी था, ठीक है, और अभी भी सेम ही है मेरे भाई, तो इसमें मेरे को नहीं पता क्या चेंज हुआ है। तो गाइस एंड्रियो में देखते हैं अपना एंड्रियो जो गाइस उसमें क्या चेंज हुआ गाइस, ठीक है। एंड्रियो में गाइस यहाँ पे जो आर्मर की गाइस उसकी जो लॉस्ट वाली सिस्टम है गाइस उसको 25% कर दिया, पता नहीं क्या किया गाइस, ये थोड़ा बहुत मेरे को समझ नहीं आया मेरे भाई, ठीक है, मैं आप देख सकते हो गाइस अगर आपको समझ आए तो आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड गाइस ये लियोन में थोड़ा बहुत चेंज किया गया, यहाँ पे 60 HP आफ्टर ये कर दिया, ठीक है मेरे भाई। एंड लास्ट एक करेक्टर गाइस यहाँ पे हमारा जो शीरो गाइस इसका इसमें चेंज हुआ गाइस कि गाइज पहले जो मार्क था गाइज वो यहाँ पे सिर्फ ना एक एनिमी पे आता था, ठीक है, वो भी थोड़ा दूर के अंदर आता था, ठीक है। तो गाइज अभी बट ये मार्क गाइज चारों एनिमी पे दिखाई देगा अगर 100 मीटर के अंदर एनिमी है, ठीक है, और 6 सेकंड के लिए मार्क दिखेगा, ठीक है, तो ये चेंज कर दिया गाइज यहाँ पे काफ़ी बढ़िया। एंड गाइज हमारे जो करेक्टर्स बाकी कोई चेंज नहीं हुआ मेरे भी, बाकी करेक्टर्स देख सकते हो। एंड गाइज एक ये करेक्टर न्यू आया गाइज फ्लेम वाला, ठीक है, और इसका क्या एबिलिटी होने वाला गाइज आपको जरूर बताऊंगा मेरे, आपका एबिलिटी बहुत तगड़ा लगेगा भाई, CS के लिए सबसे बेस्ट करेक्टर होने वाला ये, ठीक है। और गाइज एक करेक्टर हो रहा है गाइज ये टेस्ट बॉय जो कि अभी टेस्टिंग पे है, इसका कोई एबिलिटी आपको एबिलिटी बता दूंगा, एबिलिटी बहुत काफी तगड़ा एबिलिटी इसका भी, ठीक है। तो चलो गाइस जब भी हम फ्लेम वाला ये करेक्टर गाइस इसको लेते हैं परचेस करते हैं, एंड गाइस फिर आपको बताते हैं क्या लिखा है, ठीक है गाइस। इसमें यहां पे लिख सकता है स्क्रीन पे आपको एक 10 मीटर का एक मतलब वाइड एंगल का आपको जो गाइस जो फ्लेम वाला एक लेयर दिखेगा, ठीक है, एक दीवार बन जाएगी गाइस आग वाली, और उसके अंदर अगर एनिमी आएगा तो उसको गाइस सबसे पहले 30 का डैमेज पड़ेगा, बाद में गाइस उसको 10-10 का डैमेज पड़ता रहेगा, ठीक है। और गाइस ये आपको साइज से कितने 15 मीटर के गाइस ये लेंथ में होगी, ठीक है, और गाइस ये आपके लिए होगी जो दीवार है गाइस ये 5 या 6 सेकंड के लिए होगी, ठीक है। तो ये अभी अपन देखने वाले मेरे भी इसका क्या यूज है क्या नहीं, तो ठीक है चलो गाइज अभी करते हैं अपने ये करेक्टर क्यूब कर लिया, अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ गेम को, एंड गेम में जाकर टेस्ट करते हैं इस करेक्टर का कैसा यूज है कैसा नहीं, तो आपको इस वीडियो में गाइज टोटली पता चलने वाला, ठीक है। तो गाइज यार जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया सो प्लीज़ यार कर दो मेरे, ठीक है, अगर वीडियो मजा आ रहा है। और गाइज मेरे को थोड़ा बहुत बताओ कि मैं वीडियो किस टाइप से बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा पता नहीं चल रहा गाइज, मैं इतने साल मतलब एक साल हो गया गाइज मान के चलो, ठीक है, एक साल बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी गाइज अपन उतने वाले अभी पीक पे, एंड पीक पे साइड से एक एनिमी आ रहा है, चलो गाइज इस पर टेस्ट करते हैं मेरे भाई इस करेक्टर का कैसे यूज होता है, ठीक है, ओके। वो रहा ऊपर एनिमी गाइस, चलो गन लूटते हैं फटाफट मेरे भाई। अबे यार गाइस एडवांसर में यही प्रॉब्लम है कि आपको सेंसिटिविटी ना दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा अभी तक सेट हुआ नहीं भाई पीसी में हूँ, तो चल कोई ना भाई, बॉडी बॉडी पड़ा इसको, भाग रहा है गाइस इसको मार सकते हो, चल भाई खत्म मेरे भाई ये बंदा, बॉडी बॉडी मार दिया अपन ने, बट कोई ना गाइस अभी अपन को करेक्टर टेस्ट किसी और बंदे पे करना पड़ेगा भाई, इस करेक्टर इस बंदे को भूल गया भाई मैं टेस्ट करना करेक्टर, कोई ना गाइस अभी गेम में और भी बंदे बहुत होंगे, ठीक है, जिन पे अपन करेक्टर को टेस्ट कर सकते हैं, बट यार सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि गाइज इस करेक्टर को अपन खुद पे ही टेस्ट करके देखते हैं, खुद पे टेस्ट मतलब गाइज जैसे कि ये करेक्टर अपने को डैमेज करता है या क्या अपने पे इसका इफेक्ट पड़ता है वो भी अपन टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है गाइज अपने को क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक जगह पे आ चुका हूँ गाइज, खाली जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आराम से अपन टेस्ट कर सकते हैं इस करेक्टर को। तो गाइज सबसे पहले मैं इस करेक्टर का यूज़ करता हूँ एकदम अच्छी पोजीशन लेके भाई, ठीक है, देख के। और गाइज आपको ये CS के लिए सबसे बेस्ट करेक्टर होने वाला है, ठीक है, बियर में मेरे भी इतना इसका यूज़ नहीं होने होगा, ठीक है, अगर आप CS खेलते हो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो गाइज ये लेयर बन चुका है इस तरह से गाइज, ठीक है, और इसके अंदर जाके देखता हूँ कि अपन को डैमेज पड़ता नहीं पड़ता, नहीं भाई मेरे को तो कोई डैमेज नहीं पड़ा भाई, देख सकते हो। मेरे को लगता है गाइज ये करेक्टर सिर्फ एनिमी पे वर्क करेगा, ठीक है, अपने पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये अपने लिए बढ़िया चीज़ है मेरे भाई, वरना क्या सीन होता है गाइज कभी कभी कुछ करेक्टर्स होते हैं भाई जिसके अंदर हम खुद ही फंस जाएंगे, ठीक है, तो ये उससे बेस्ट है गाइज, बढ़िया है मेरे भाई। चलो गाइज यहाँ पे मेरे को अभी तक एक भी बंदा नहीं दिख रहा भाई, चलो गाइज यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कौन बंदा है भाई। सबसे पहले ड्रॉप लूट लेते हैं, ठीक है, ड्रॉप लूटना जरूरी है भाई, ड्रॉप पे मेरे को कुछ मिला गाइज, एक सेकंड देखते हैं क्या मिला है।
ओके डिमिट्री मिला गाइस मेरे को, डिमिट्री करेक्टर भाई ड्रॉप के अंदर मिला। अरे भाई ये क्या सिस्टम है, ग्रेना कुछ भी लेके आ रही है भाई नया। गाइस जब आपको एक्स्ट्रा स्किल भी मिलेगी गाइस, वो भी आपको ड्रॉप्स और मशीन में मिलेगी भाई देखने के लिए। मेरे को देख सकते हो भाई डिमिट्री मिला है और एक बंदा गाइस इसको मेरे भाई इसको मारेंगे अभी, ठीक है। ये बोट है गाइस साइड से, ठीक है, तो इसको अपनी साइड बुलाना पड़ेगा। अगर ये आएगा दीवार के इस पार तभी मजा आएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ ताकि ये मेरे चक्कर में गाइस पीछे पीछे आए। वेट देख लेता हूँ गाइस, ठीक है, मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा तभी फायदा होगा, ठीक है। आ रहा भाई सीधा आ रहा, आने देते हैं, थोड़ा वेक जाता हूँ एंड देखता हूँ कितनी दूर आता है, ठीक है। चलो भाई आ चुका है, एक जगह रुक चुका है, अब मैं इस पर यूज करूँगा ये स्किल। और चल भाई छोड़ दे स्किल, अबे लग जा भाई, लग गया। आ जा भाई इस साइड कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ गया एनिमी यार, फायर किए जा रहा है बट आ नहीं रहा भाई इस साइड से। उस एनिमी को दिख रहा है क्या, साइड से दीवार के आर पार ऐसे ही मारे जा रहा है भाई इस वाले के। चल भाई इसको तो ये नहीं आया भाई, इसको तो अपन हेड मार के छोड़ देंगे भाई, काम खत्म। चल भाई निकल, सारा वीडियो ख़राब कर देगा भाई बंदा, कोई आता नहीं है भाई। ये बोट बंदों का ये प्रॉब्लम है भाई कि आता नहीं गाइस, इसलिए गाइस ये सीएस जो सीएस का आपका होगा गाइस उसी में आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप सीएस रैंक खेलोगे उसी में आपके लिए सबसे बेस्ट करेक्टर देने वाला, जब बंदे रश करें ग्लूअल डली हो तो भाई ग्लूअल को गाइस ये कितने जल्दी ब्रोक करता है पता आप लोग, आपको दिखाऊंगा मेरे डोंट वरी इसके अंदर। और एक सामने एनिमी और है, ठीक है, इस पर चलो गाइस ग्लूअल की टेस्टिंग कर लेते हैं, ये ग्लूअल को कितने जल्दी मतलब तोड़ता है, ठीक है। अभी गाइस देख लेते हैं, इस पर मैं लगा दिया हूँ मेरे, ठीक है, और ये नहीं आएगा भाई एनिमी, बोट है गाइस ये भी। चलो गाइस ग्लूअल टेस्ट करते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी मेल्ट करता है। ओके ये तो भाई सिर्फ 4-5 सेकंड में खत्म भाई ग्लूअल, टाटा बाय बाय। गाइस कितनी ग्लूअल तोड़ सकता है गाइस इस करेक्टर का भी अपन ये भी चेक करेंगे, ठीक है मेरे भाई, कि ये करेक्टर कितना जो ग्लूअल है वो तोड़ सकते एक बार में। तो गाइस ये एनिमी नहीं है भाई, इसको भी अपन मार दिया। अभी चलते ऊपर गाइस, अभी एक एनिमी पीछे से मार रहा है भाई, ये क्या भाई, ये भी बोट है भाई, सारे बोट ही बोट हैं भाई एडवांस सर्वर में भी जितनी है। कोई ना भाई थोड़ा पीछे चलते हैं, बोट को मानेंगे कि यही तरीका कि बोट अपनी साइड भागा आएगा, ठीक है, तो मैं स्किल अच्छे से यूज़ कर पाऊंगा। इसको बुलाता हूँ भाई, कहाँ गया भाई, आ रहा चला आ जा भाई, पीछे पीछे आ रहा अपने, एक मिनट देख के, अरे भाई डैमेज मार रहा भाई, रुक जा भाई, चला आ रहा भाई, स्किल यूज करते हैं अभी। ओके ग्लू पे भी डाल दिया मेरे भाई, यहाँ पे ग्लू मेल्ट हो चुका है, 3-2-1 डैमेज पड़ा गाइस, देख सकते हो पहले 30 का फिर 10-10 के पड़ रहे हैं डैमेज मेरे भाई अभी भी, ठीक है। और चलो भाई भाग रहा है भाई, एक गोली मार देते भाई, चल भाई खत्म, बॉडी मार के खत्म। और गाइस सामने वाले को हेडशॉट ओपी। सो गाइस आप लोगों ने मेरे भाई देख लिया गाइस इस करेक्टर का किस तरह से आप लोगों को मैंने यूज़ करके बताया, ठीक है। और गाइस ये अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलते गाइस जब हमारे जो दूसरे करेक्टर के उस पर टेस्टिंग करने कि वो करेक्टर कैसे काम करता है और किस तरह से काम नहीं करता, ठीक है। तो जल्दी से मैं उस करेक्टर को परचेज करता हूँ, कहाँ गया हमारा टेस्ट बॉय भाई ये रहा। और इसमें गाइस क्या सिस्टम है गाइस, आपको ना एक ड्रोन मिलेगा गाइस, ठीक है, जो आपको एक सीधी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर उस ड्रोन में कोई एनिमी आएगा तो गाइस वो 4 सेकंड के लिए उसका नो इंटरनेट प्रैंक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 4 सेकंड के लिए गाइस बंदा भागता रहेगा बट वो कुछ कर नहीं पाएगा, सिर्फ फायर कर पाएगा, फायर का डैमेज आपको पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं इस करेक्टर को टेस्ट करके मेरे भाई, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट अपना जो रैंक है, ठीक है, एक बार, और इस गेम के अंदर जाके देखते हैं गाइस क्या सिस्टम है इस करेक्टर का, क्या नहीं है। तो अपन उतरने वाले हैं गाइस फिर से पीक पे मेरे भाई। ओके मैं मार्क कर देता हूँ पीक पे गाइस, चलो ठीक है, और पीक पे आ चुके हैं भाई अपन। और यहाँ पे एक एनिमी आया शायद से, नहीं आया मैप पे, तो इसमें तो दिखा नहीं भाई स्कैनर में। कोई ना गाइस गन लूटते अपन जल्दी से फटाफट, और दो गोली भी उठा ली अपन ने, वन टैप मारेंगे भाई एक बंदे को भयंकर वाला, नेट उठा लेते हैं भाई काम देगा। चलो भाई के एनिमी कहाँ है भाई, ढूंढने दो, एनिमी तो नहीं मिला गाइस, सामने के एनिमी दिखा मेरे को भाई अभी जस्ट, अभी दिखा, एक मिनट कहाँ गया भाई, रुको इधर नहीं आएगा, दूसरी साइड जाना पड़ेगा। ओके सामने मेरे भाई, जस्ट सामने, चलो भाई स्किल छोड़ता हूँ अपना, ये रो भाई स्किल जाके लगा, भाग गए, चलो भाई देख लो मेरे भाई इस तरह से भागेगा और उसका नो इंटेंट प्रैंक हो जाएगा, और आप पट से हेडशॉट भी मार सकते हो भाई ओपी। और चल भाई इस वाले को भी खत्म कर देते हैं। सो गाइस आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पे दोनों करेक्टर्स देख लिए भाई किस तरह से ये दोनों करेक्टर वर्क करते हैं, ठीक है, और बाकी करेक्टर्स भी देख लिए उनमें क्या क्या चेंज हुआ मेरे भाई यही इस अपडेट में होने वाला है, ठीक है। और गाइस आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा मेरे भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सो प्लीज़ यार लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि गाइस मेरे चैनल थोड़ा डाउन चला तो चैनल को ग्रो करने के लिए आपको गाइस इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। आप लोग इतनी हेल्प करो गाइस आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, ठीक है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, उसमें भी आपको थोड़े बहुत अपडेट और पड़े गाइस जो बताऊंगा, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।